नमस्कार एस्पिरेंट, आप देख रहे हैं रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। देखिए, जो यूपी जूनियर टीटी में जो आप पेपर देने जा रहे हो उसमें कोई भी आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन चुनने के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप जब पेपर देने जाएंगे उसी समय आपको SST लेनी है, आप उसमें फिलअप करेंगे। यदि हिंदी लेनी है तब आप उसमें फिलअप करेंगे, या फिर आपको जो भी इंग्लिश या फिर संस्कृत लेनी है या फिर विज्ञान मैथ लेनी है। तो अभी फॉर्म नॉर्मल भरी जा रहा है, कोई भी दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसी समय आपको वहाँ गोला करना है, ठीक है। OMR पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप मैथ वाला ऑप्शन दे रहे हैं या फिर हिंदी वाला। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती हैं। इन्होंने ये नोटिस तो निकाल दिया कि वैकेंसी आ गई, ये आ गया, और विज्ञान की वैकेंसी है, सब वैकेंसी है, लेकिन उसमें पद भी नहीं बताया कि इसमें कितने पद हैं, मेरिट कैसे बनेगी। और वो तो बता दिया, लेकिन क्या है साइंस वाले क्या है, हिंदी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, SST वाले हिंदी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, पद कितने हैं, ये तो बताना चाहिए था। तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, हाई कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन निकालें तभी सब निकालना चाहिए, लेकिन सरकारें बहुत बड़ी गलतियां कर रही हैं।